उज्जैन जिले के ग्राम खामरिया में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है, जिसमें मंत्री सरपंच की मिलीभगत से ग्राम के विकास कार्यों में लगने वाले पैसे को हजम कर गए। तो मामला पूरा यह है कि खमरिया में स्कूल और आंगनवाड़ी बनाना थी, वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ये स्कूल और आंगनवाड़ी का 11,50,000 रुपये स्वीकृत हो चुके थे, पर बच्चों के लिए स्कूल बने ना आंगनवाड़ी और न ही सड़कें पूरी बन पाई। पैसा मंत्री और सरपंचों के जेब में पहुंच गया और स्कूल और आंगनवाड़ियों की दशा यह है कि बिल्डिंग में इतना पानी टपक रहा है कि बच्चे बैठ भी नहीं पा रहे हैं, ना कोई बच्चों के लिए शौचालय बने, काम अधूरा पड़ा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी चर्चा दिलीप शाह से करनी चाहिए तो दिलीप ने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना बड़ा है। इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इनके ऊपर कार्यवाही कब करता है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।